हेलो फ्रेंड्स, विराज यम्मी किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आजकल मोबाइल और लैपटॉप का यूज काफी बढ़ गया है, इस कारण आंखों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आंखों की सेहत के लिए हरी साग सब्जियां खाना बहुत ही जरूरी है, पर साग का नाम सुनते ही सबका चेहरा उतर जाता है। साग भी स्वादिष्ट हो सकता है, आइए जानते हैं कैसे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पालक पनीर की रेसिपी। मैंने 300 ग्राम पालक लिया है, उसे धो लेंगे। एक बर्तन में पानी गरम कर ले। गरम पानी होने पर धुली हुई पालक उसमें डाल देना है। अब इसे ढककर 5 मिनट तक पका ले। ओवर कुक ना करें, कलर डीप हो जाएगी। 5 मिनट कुक होने के बाद पालक को एक चिमटे की सहायता से इसे गर्म पानी से बाहर निकाल ले। एक मिक्सर की सहायता से ये पकी हुई साग को 50 ग्राम धनिया और 2 मिर्च के साथ पीस ले। मैं इसमें पकी हुई साग डाल रही हूँ। ये धनिया है जो 50 ग्राम है। दो हरी मिर्च, इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा पेस्ट बन चुका है। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे हल्दी और नमक के साथ। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून नमक, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और इन सबको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। एक फ्राइंग पैन गर्म करें, इसमें 1.5 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डालना है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें मैरिनेटेड पनीर हमें डाल देना है। पनीर को हल्का फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। यह हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी गरम तेल में 2 बटर क्यूब्स डालेंगे। बटर के पिघलने तक इंतजार करना है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरा चटकने दे। अब इसमें 2 तेज पत्ता मैं डाल रही हूँ। ये छोटा प्याज है जिसे मैं बारीक मैंने काट लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसे तब तक पकाना है जब तक लहसुन का कच्चापन ना चला जाए, स्मेल ना चला जाए। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गोलकी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक मैं इसमें स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ,
इन सबको डालकर 2 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसमें मैं फ्रेश टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ, जिसे मैंने फ्रेश बनाया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सर की सहायता से पीस लिया है। अब इसे फ्राई करना है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। मसाला डालने के बाद इसे चलाते रहना है ताकि कढ़ाई में मसाला चिपक ना जाए, और इसे तब तक पकाना है जब तक मसाले से तेल बाहर ना आने लगे। मसाले से तेल बाहर आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं पालक, धनिया और मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे मैं मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। याद रखे दोस्तों, ये इसे कितना पतला रखना है या कितना गाढ़ा रखना है आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं फ्राई किए हुए पनीर डाल रही हूँ। इसे मिक्स करने के बाद 1 मिनट पकाना है। हमारा पालक पनीर रेडी हो चुका है। अब इसे मैं एक बॉल में निकाल लूंगी। याद रखें दोस्तों, खाने की चीज़ अगर अच्छे से डेकोरेट की जाए तो खाने का मज़ा 2 गुना हो जाता है, इसीलिए डेकोरेशन पर ज़रूर ध्यान कर दे। ये मैंने क्रीम से डेकोरेट किया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।